जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। कल मेरे से किसी संगत ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी से बात करने पर उनका आंसर कैसे मिलेगा, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। गुरुजी से बात करने पर हमें गुरुजी का आंसर कैसे मिलता है? गुरुजी के अपनी संगत को आंसर्स देने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी जब हम गुरुजी से बात कर रहे होते हैं या उनसे कुछ पूछते हैं तो गुरुजी हमें टेलीपैथी से उसका आंसर देते हैं। जैसे हम कभी भी गुरुजी से कुछ पूछते हैं तो वो हमें टेलीपैथी से आंसर देते हैं। कभी कभार क्या होता है, गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देकर हमें हमारी सारे सवालों के जवाब देते हैं, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देकर चले जाते हैं। जब गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देते हैं तो उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग मतलब होते हैं। गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देके ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो उनके हर एक एक्सप्रेशन का एक मतलब होता है। अब वो हमारे ऊपर होता है कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ पाते हैं या नहीं। कभी कभी गुरुजी हमसे किसी संगत के सत्संग के थ्रू आंसर दिलवा देते हैं, इसलिए गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए। क्या पता आपको कब आपके किस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। हमें हमारे मोस्टली क्वेश्चन के आंसर्स सत्संग सुनने से मिल ही जाते हैं, और कभी कभी तो जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ जो संगत आई होती है वो अपने अपने सत्संग सुनाती है, अपना एक्सपीरियंस सभी संगत से शेयर करती है, तो उनके सत्संग सुनने से भी हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। इसलिए सत्संग सुना करो। गुरुजी भी कहते थे कि संगत के सत्संग सुना करो। कभी कभी साक्षात गुरुजी हमें अपने दर्शन देकर हमें ब्लेस करते हैं और हमें हमारे सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी जब हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं तब हमारे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, हम गुरुजी से कुछ पूछ ही नहीं पाते, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, हम हैरान हो जाते हैं, हम गुरुजी से कुछ भी पूछ ही नहीं पाते, हमारे दिमाग से सारे क्वेश्चंस चले जाते हैं। गुरुजी के दर्शन पाकर हमें हमारे सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और कभी कभी तो गुरुजी संगत के रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं और हमें हमारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मुझे जब भी पुकारोगे मैं हमेशा नजर आऊँगा, मेरा रूप ना दिखे तुम्हें मगर माध्यम बन के नजर आऊँगा। गुरुजी माध्यम बन के ज़रूर आते हैं। गुरुजी हमें संगत से जवाब दिलवा देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम अपने घर में सत्संग करते हैं तो कभी कभी गुरुजी संगत से बुलवा देते हैं कि सत्संग में उन्हें भोग में क्या खाना है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आया होगा कि कैसे गुरुजी हमें संगत से आंसर दिलवाते हैं। कभी कभी हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बात कर रहे होते हैं या उनसे पूछ रहे होते हैं तो गुरुजी स्वरूप में ही स्माइल करके हमें बता देते हैं। या फिर अगर आपका कनेक्शन गुरुजी से बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो गुरुजी स्वरूप से ही बोल के हमें आंसर दे देते हैं। गुरुजी कभी स्वरूप में से अपना सर हिला देते हैं, मतलब नहीं, हमने जो भी गुरुजी से पूछा कि हम ये करें या नहीं, तो उसका आंसर गुरुजी ने ना में ही दिया है। कभी कभी जब हम फेसबुक चला रहे होते हैं तो हमारे सामने पहले गुरुजी का पोस्ट जो दिखता है उसमें से हमें आंसर मिल जाता है। हमें कभी कभी गुरबानी सुनते सुनते भी आंसर मिल जाते हैं। गुरबानी से भी हमें बहुत आंसर्स मिलते हैं। अब कुछ संगत को गुरबानी समझ में नहीं आती, तो देखो आप रोज़ गुरबानी सुनो, आपको धीरे धीरे गुरबानी समझ में आने लग जाएगी और आपको आपके आंसर्स मिलने लग जाएंगे। हमें गुरुजी किसी ना किसी तरीके से आंसर्स दिलवा ही देते हैं।
बस हमें उनका नजरिया समझना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।